रोहतक में भी लाठीचार्ज की खबर सामने आ रही है। रोडवेज कर्मचारियों पर पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन अपनी मौजूदगी में बसों को रोडवेज से बाहर निकाल रहा है, बस अड्डों से बाहर निकाल रहा है। और इस बीच रोहतक में हुए लाठीचार्ज के बाद अब यह मामला और संगीन होता जा रहा है। कर्मचारियों के बीच रोष पैदा हो रहा है और कर्मचारी आज दिन में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे ये अब देखना होगा। बस को डिपो से बाहर निकालने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ रहा है, कर्मचारियों पर लाठी बरसाई गई है। रोहतक में भी लाठीचार्ज को लेकर कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सुरेंद्र, जो कर्मचारी हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, सुरेंद्र बात करिए अपनी। जी, हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर आज उन्होंने चक्का जाम करने का जो घोषणा की थी उसी के चलते आज सभी रोडवेज की जो यूनियनें हैं उसमें हड़ताल में शामिल हैं। और सुबह से ही जो रोडवेज के कर्मचारी हैं जो रोडवेज के जो बस स्टैंड है वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह ही जब बसें निकाली गई तो वो जो रोडवेज के कर्मचारी थे हड़ताली तो उन्होंने बस के काम में लेटना शुरू कर दिया तो पुलिस ने बलपूर्वक वहां से उठाया है। अभी जिस तरह से जो बसें निकाली गई हैं वो चंडीगढ़ और देहरादून और जो लंबे रूट की है वो बसें अभी निकाली गई हैं। पुलिस बल काफी यहाँ पे तैनात है, धारा 144 लागू है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश है कि जिस तरह से हड़ताली कर्मचारी हैं उनके खिलाफ वीडियोग्राफी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सरकार ने भी नोटिस इनको दिया है इसमें लगाकर कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो उनके खिलाफ इसमें के तहत कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो कर्मचारी उनका यही कहना था कि हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, वेतन की मांग नहीं है, सिर्फ जो 750 बसें जो हरियाणा रोडवेज की बसों में निजी शामिल करने जा रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर ये बसें शामिल होंगी तो रोडवेज का जो है वो निगम बनाने का प्रयास सरकार कर रही है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुरेंद्र, कितनी बसों को प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में निकलवाया है? क्योंकि पूरे हरियाणा में कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो कॉल दी गई है उसमें पूरी तरह से चक्का जाम की बात कही है। जींद में भी लाठीचार्ज किया गया कर्मचारियों के ऊपर और अब रोहतक में भी लाठीचार्ज हुआ है। कितनी बसों को बस अड्डों से निकाला गया है? देखिए, दर्जन भर जो लंबे रूट की बसें हैं उनको यहाँ से निकाला गया है और पुलिस की जो देख रेख में निकाला गया। पुलिस काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, किसी भी तरह का कर्मचारी अगर विरोध करता है तो उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया। अभी भी रोडवेज के कर्मचारी जो कर्मशाला है वहाँ पे डटे हुए हैं और जो कर्मचारी जो बसें चला रहे हैं। सुरेंद्र, आगे की रणनीति क्या नजर आ रही है? क्या कर्मचारी संगठन अब इस लाठीचार्ज के बाद आज दिन भर कुछ प्रदर्शन के लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं? किस तरह की रणनीति रहेगी? जी, अभी देखने वाली बात होगी जो कर्मचारी हैं जो यूनियन है सभी क्या आगे निर्णय लेती है। लेकिन आज का जो हड़ताल है उनका ये कहना था कि अगर सरकार नहीं उनकी मांगे मानती तो अनिश्चितकाल के लिए हमारी हड़ताल होगी।